ये हमारा माली है, कुछ गाजर ढूंढ रहा है ताकि भाई एक बार निकाल दे हो जाएगा। हम उसे हमारे चाउमीन में डाल सकें। थोड़ा बड़ा पत्ते वाले देखना, वो आगे जा आगे बड़े पत्ते वाले। हाँ इसी का निकाल। खींच दे खींच दे। हाँ अबे यार, यार हम चाउमीन बनाने जा रहे हैं, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी है, हमारे पास बर्तनों की कमी है, हमारे पास बहुत चीजों की कमी है। आप देख सकते हैं हमने इसे उबाल लिया है, सब्जी की भी कमी है। हमने इसमें जो हमारे पास सब्जी अवेलेबल थी आप देख सकते हैं हमारे पास। आप देखते हैं कैसे बनाते हैं। सब्जी दिखा भाई छोटू एक बार, कैसी सब्जी, कितनी सब्जी हमने काटी है, चॉप करी है। कुछ गाजर हम खेत से लेके आए हैं, आप इधर आ जाओ भाई छोटू, इधर दिखा। अब हम इसको थोड़ा और इसको छानेंगे। भाई साहब इसको आप देख सकते हैं मेरे चश्मे में धुआं निकल चुका है। धुआं मेरे कुछ भी दिखाई गाइस यार नहीं दे रहे। बहुत ही गर्म है गाइस, ये देखिए इस शख्स को, ध्यान से शक्ल मत दिखा भाई, ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये तेरा भरोसा भी नहीं तो डाल ही दो। ये हमारा दोस्त है, यहाँ पे नूडल हमारा हम देख इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको लगा दिया अच्छे से, ताकि ये चिपके ना आपस में और अलग अलग रहे। तो नूडल हमारे तैयार हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप नूडल हमारे एकदम रेडी। तो हम इसका तड़का बनाने की तैयारी करते हैं। आइए तो हमारी कढ़ाई दोस्तों ये तैयार हो चुकी है। हमारे पास चौमिन वाली कढ़ाई नहीं है, हम ये सिंपल कढ़ाई बनाएंगे, मोटी कढ़ाई आप देख सकते हैं। आइए गैस चलाते हैं, कैमरा जो रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पास आ जाए, शुरू करते हैं हम। पहले हम डालेंगे, पहले उसमें थोड़ा डालेंगे ये बंसल जी का स्पेशल रिफाइंड ऑयल, ये बहुत बेस्ट होता है दोस्तों। यही हमारे पास एक चीज है जो यूजेबल है, बाकी सारी चीजें बेकार है। देखते हैं तब तक हम टमाटर तैयार कर लेते हैं। मेरे खुट्टे दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा यहाँ से, ये लीजिए। टमाटरों को भी हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम लंबा ही काटें, लेकिन हमको उसका मसाला बनाना है एकदम देसी स्टाइल में दोस्तों। ये बनेगा इतना सफिशिएंट होगा मुझे लगता है, लेकिन हम थोड़े से और ले लेते हैं टमाटर। तो दोस्तों हमारी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी है, अब हम ये टमाटर इसमें डालेंगे दोस्तों। ये हमारा हथियार है, इससे हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें रिफाइंड डाल देते हैं, आइए देखिए। आई होप इतना रिफाइंड बहुत। तेल गर्म हो चुका है, देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं दोस्तों तड़के के रूप में, हमारे पास जो बचा बचा है ये जीरा, देखते हैं चेक करते हैं। तेल दोस्तों तैयार है, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, बर्तन थोड़ा फ्लेवर के लिए दोस्तों हम इसमें पहाड़ी जख्या डालेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें तड़के के रूप में थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम अपनी सब्जियां डालेंगे। देख सकते हैं हमारी सब्जियां, हमारे पास गाजर है, बैंगन है राउंड कटे हुए, और ये बीन्स है लंबी कटी हुई, और हमारे पास कोई भी वेजी नहीं है। टमाटर है, टमाटर आप देख सकते हैं, जैसे ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पीनेस इसमें आ जाए। तो लीजिए दोस्तों इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, चिली डाल दिए दोस्तों। हम इसमें टमाटर डालेंगे, आधा कलर आ जाए, हो जाए ठीक है दोस्तों। कढ़ाई में आप हमारा फोन ना गिराएं, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हम इसमें अब सब्जियां डालेंगे। देख सकते हैं आप सब्जियां थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सब्जियां सारी डाल देते हैं। देखो दोस्तों हमारी सब्जी थोड़ी बहुत फ्राई हो रही है, हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 50% फ्राई करना है, ताकि थोड़ी क्रिस्पीनेस सब्जी की बनी रहे दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लेते हैं, अभी सही टाइम है, सब्जियां सोख लेंगी सॉल्ट को, थोड़ा सा सॉल्ट हम बाद में डालेंगे दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चों का प्रयोग किया, और थोड़ी सी दोस्तों हल्दी डालेंगे जो हमारे भारतीय मसाले हैं, नमक थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसमें चाउमीन डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। यही करना भाई, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। सारी चाउमीन दोस्तों हम इसमें डाल देंगे, अब दोस्तों हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। अरे
हम इसमें विनेगर डालेंगे, एक ढक्कन विनेगर काफी होगा मेरे हिसाब से। और थोड़ा सा इसमें हम केचप डालेंगे दोस्तों स्वाद के लिए, केचप हमारा खत्म ही है लग रहा है। किसी काम का इससे पहले दोस्तों ये चिपक जाए इसको हमें हिलाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी नूडल, देसी स्टाइल नूडल एकदम रेडी हो चुकी है दोस्तों। थोड़ा इसमें नमक मुझे कम लग रहा है, ऊपर से हल्का सा नमक और डाल देता हूँ, बाद में डालूंगा नमक स्वाद अनुसार। ये लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी चिपक रही है ये क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ा दूसरी है। दोस्तों हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है तो हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, वाह क्या बात है दोस्तों, ये हमारी एक प्लेट चाउमीन लग चुकी है। इधर दिखाइए वे, ये हमारे पास केचप शैशे हैं, ये लीजिए दोस्तों केचप डाल के जो हमारी नूडल तैयार हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों टाइम है इसे टेस्ट कर। मतलब लाजवाब, कोई सोच रहा होगा बैंगन अच्छा नहीं लग रही है, देखो बैंगन क्या फ्लेवर आ रहा है दोस्तों, मगर वो अलग ही। और 60% चाउमीन वाले नूडल बने हैं स्वादिष्ट। दिखा देते कोई ब्रांड प्रमोशन, भाई ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, वीडियो को बना रहा है वे फालतू की, साले मेमोरी फुल हो जाएगी अभी। और लैंडस्केप पे बना उल्टे हाथ के लगाऊंगा तेरे को टेढ़ा, जो बड़ा कैमरा मैजिक से कहां गई यार, ये बड़ी वाली भी थी, ये प्लास्टिक का रहा है जरूर, मोटी वाली थी वैसे गंदी होती साले। अब हम इसमें सब्जियां डालना स्टार्ट करेंगे और मसाले भी डालेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने बंद कर दी थी जब आपने वो बोला मम्मी बोल रही थी हमारे लिए दे देना। अबे बना है नहीं बेटा, तू है ना ऐसे कैमरामैन है ना कि जिसको मार नहीं पड़ती वो वीडियो नहीं यार। जैकेट डाल दिया तो स्टार्ट करिए, स्टार्ट है ऊपर दिखा रहे। क्या बंदा है भाई, क्या बंदा है, बंदा यहाँ बोल रहा है वीडियो नीचे बना रहा है।